डीएवी पब्लिक स्कूल में दिवाली मेला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा छठी से आठवीं तक के बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए। इस दौरान बच्चों ने अपने हाथों से बनाई गई वस्तुओं को इस उत्सव में प्रदर्शित किया, जिसमें हाथों से बनाई गई झालर, लड़ियां, झूमर, मिट्टी के दीपक आदि स्टॉल लगाए गए। मेले में लगाया गया दादी के नुस्खे स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसकी सभी ने सराहना की। इस दौरान हमारी टीम ने बच्चों व अध्यापकों से भी इस कार्यक्रम को लेकर विशेष बातचीत की। ये हमने एक इलेक्ट्रिकल लैंप बनाया है, जिसमें जो लाइट बलती है, लाइट ग्लो होती है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसको दिवाली पे लगाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे से लाइट ग्लो अप होती है, और इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। और ये हम किसी से बनाया आपने? ये डिस्पोजल से बनाया है, जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं, और एक बल्ब है इसमें, और एक जो वायर होती है नॉर्मल। तो ये सोच कहाँ से आई आपकी, जैसे जिस प्रकार से रिसाइकल किया आपने इनको, यूज़ किया? जैसे हम कहीं जाते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे ही जैसे मिलते हैं हमें, तो हमने सोचा कि दिवाली के लिए बनाना है और वेस्ट से बनाना है, तो हमने ये बनाया है। सर, हमने दादी नानी माँ के घरेलू नुस्खे बनाए हैं, जैसे कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हम घर में आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथी असर बालों का झड़ना हम इससे रुकवा सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा, वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, और सर एलोवेरा से हम सर्दी जुकाम भी रोक सकते हैं। और जैसे कि सर आंवला है, वो बालों को काला करने के लिए यूज़ होता है, आँखों के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है। सर जैसे कि हल्दी है, कहीं पर चोट लग जाती है तो हम वहाँ पर हल्दी लगाते हैं, और सर जैसे कि दूध में डालकर हम हल्दी को पी सकते हैं, और जैसे कि अदरक है सर, अदरक के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसको हम फेस के लिए अदरक अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अदरक अच्छा होता है, और सर जैसे कि अजवाइन है, ये भी अच्छी होती है, अदरक से सर हम वजन भी घटवा सकते हैं। सर, हमारा कार्यक्रम है दीपावली मेला, दिवाली मेला, और हमारे कार्यक्रम की थीम है मिट्टी के दिए, और हमारा प्रयास है इस थीम के थ्रू हम अपने स्कूल के बच्चों को, इवन जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनको जागरूक करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों को प्रोत्साहित करें। चाइनीज़ लड़ियाँ, चाइनीज़ जो भी हमारे दिए हैं, इनको कम से कम प्रयोग में लाएं, और जितना ज़्यादा हो सके मिट्टी के दियों का बढ़ावा मिले, और कुम्हार के जो दिए हैं उसकी महत्ता को लोग समझें कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे इस दिवाली मेले का एक और मकसद रहा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करवाए गए, इससे बच्चों की छुपी प्रतिभा को आगे लाना, उनके अंदर जो टैलेंट है, एक टैलेंट हंट हमने बच्चों का कराया, जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ हमने कुछ स्टॉल्स लगाई हैं, जिनमें हस्तपाक कला, जो हाथ की बनाई हुई मिठाइयाँ, जिसमें ये बच्चा बताएगा कि इसमें माता का, दादी का क्या प्यार है, दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खे बताए गए, जिसमें बच्चा होम रेमेडी के बारे में कि कैसे किन चीज़ों से बचा जा सकता है बीमारियों से, और किन चीज़ों को घरेलू चीज़ों को यूज़ करके, और हम साथ में हमने कुछ बच्चों के मेंटल एबिलिटी के गेम्स भी रखे, जिसमें बहुत से अभिभावक गणों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। और आज का हमारा दिवाली मेला बच्चों के, टीचर्स के और अभिभावक गण के सामंजस्य से सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद।